नमस्कार, मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के एक मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ शहर की एक ऐसी शख्सियत है जिसे इस शहर के लोग, देश के लोग यूथ आइकॉन के नाम से जानते हैं। हमारे साथ है आज की मुलाकात में एक शख्सियत जिनका नाम है ओमी कालानी। ओमी कालानी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में हार्दिक अभिनंदन। एक मुलाकात में हम हर उस शख्सियत से उनके निजी जीवन पर, उनके सामाजिक जीवन पर, उनके राजनीतिक या उनके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में सवालात करते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो हम आपके ऊपर भी सवालों की छड़ी छोड़ें। बिल्कुल। ओमी जी, उल्हास नगर का नाम, जहां पर राजनीतिक नेताओं की अगर बात कही जाए तो सबसे पहला नाम उभर कर आता है पप्पू कालानी। चूंकि आप पप्पू कालानी के सुपुत्र हैं, तो आप शख्सी जिंदगी में पॉलिटिकल लाइफ को पहले किस तरह से मानते थे, जब पप्पू कालानी जी अपने राजनीतिक क्षेत्र को इस उल्लासनगर शहर में बखूबी निभा रहे थे? देखिए, 1986 में मेरे पिताजी राजनीति में एंटर हुए, जो कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हुआ करते थे। महाराष्ट्र में हम लोगों का नंबर वन लिकर इंडस्ट्री में माने जाते थे। उस वक्त जब मेरे पिता ने हमारे शहर की यह हालत देखी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई रोड नहीं, कॉरपोरेशन जो आज कॉरपोरेशन है उस वक्त काउंसिल हुआ करता था, काउंसिल का साल का बजट 5 करोड़ हुआ करता था, फंड्स कहाँ जाते थे कुछ पता नहीं पड़ता था, डेवलपमेंट कुछ था नहीं, ये सब चीज़ें देख कर के वो पॉलिटिक्स में उतरे। पॉलिटिक्स में आके उन्होंने अपना बिजनेस गवाया, उन्होंने फैमिली लाइफ गवाई। उस चीज़ का अफसोस नहीं है हम लोगों को, खुशी है कि वे आखिर जिस शहर में हम रहते हैं वो शहर उन्होंने बनाया। उसके बाद उनके पॉलिटिक्स में एंट्री करते ही एक साल के अंदर जिस काउंसिल का बजट 5 करोड़ रुपया हुआ करता था वो पहुंच गया 35 करोड़। और डिफरेंस सिर्फ एक ही था कि भाई उन्होंने जो ऑक्ट्राय और टैक्सेस में जो चोरियां हो रही थी उन्होंने सिर्फ वो चोरियों पे कंट्रोल किया। आज ये जो कॉरपोरेशन है या काउंसिल बोले, ये एक हब है समझो, जैसा हम हमारा बिजनेस चलाते हैं, हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, जो आदमी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा वही आदमी ये कॉरपोरेशन चला पाएगा, वो उन्होंने साबित किया और डेवलपमेंट जो है आज लोगों के सामने। ओमी जी, तब जब पप्पू कालानी जी राजनीतिक क्षेत्र में बखूबी नाम कमा रहे थे, तब आप उम्र में छोटे होंगे और आपका अनुभव भी आज जितना है उतना नहीं होगा, तब जब राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ उल्लासनगर की डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी कि पॉलिटिकल राइवलरी होती थी, उनके ऊपर आरोप के ऊपर आरोप दर्ज होते थे, तो आज इस समझ में, इस अनुभव में आने के बाद उन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो कोर्ट मैटर्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा उन चीज़ों पे, ऑलरेडी सबजुडाइज है केसेस, तो उस मामले में मेरा बोलना कोई ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो भी लोग बोलते थे, जो भी सब केसेस हुए थे, ये सब पॉलिटिकल केसेस थे। और समझो जो घटना घटते थे वो ठीक है, मैं क्लेम नहीं करूँगा कि इन्होंने ही कराए होंगे, लेकिन वो आखिर थे कौन? कोई शहर के रखवाले थे, कोई मतलब आखिर वो कौन थे? किसी ना किसी क्रिमिनल ग्रुप से अटैच थे, किसी ना किसी एक्सटॉर्शन में जुड़े हुए थे, किसी ना किसी मर्डर्स में इन्वॉल्व थे। तो मैं कुछ ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ओमी जी, बहरहाल जनता ये ज़रूर जानना चाहेगी, हमारे देखने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या पप्पू कालानी जी न्यायपालिका के किसी आदेश के अनुसार शहर में वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी। यस। चलिए, पप्पू कालानी जी के सुपुत्र ओमी कालानी कह रहे हैं कि इस बात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उल्लासनगर शहर में शहर के लाडले नेता पप्पू कालानी वापस आ सकते हैं। ओमी जी, आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में कब, कैसे, क्यों
क्या आप पप्पू कालानी चाहते थे कि ओमी कालानी भी पॉलिटिक्स में आए? देखिए, आप एंट्री शब्द यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हमारे ब्लड में है। मेरी एंट्री उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन से मेरे पिता ने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। अब रहा सवाल के मेरा खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना और अभी जो लाइमलाइट में आना, वो एक अलग इशू है। मैं पॉलिटिक्स में हमेशा से ही था, हमेशा से बिहाइंड द कर्टन्स मैंने काम किया है। बचपन से मैंने पिताजी के साथ रह रह के राजनीति ही देखी है। अब ये मौका आया कि भाई मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा। अदरवाइज हम लोगों का एक डिसाइडेड था पिताजी और मेरा कि एक जन कंप्लीट पॉलिटिक्स में रहेगा और एक जन कंप्लीट बिजनेस में रहेगा। उसका रीज़न था कि भाई पॉलिटिक्स हमारा बिजनेस नहीं बनाना चाहते हैं। जो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका कोई पर्सनल बिजनेस है नहीं, तो उसका क्या मीनिंग है? अगर बिजनेस नहीं तो वो पैसे कहाँ से कमाते हैं, घर गाड़ियाँ कैसे लेते हैं? आज कम से कम हम लोगों का इतना है कि भाई कि कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है हमारे ऊपर। कोई एक आदमी ये क्लेम नहीं कर सकेगा कि भाई कि कलानी फैमिली में किसी ने 1 रुपया लिया हो। हमारे खुद के बिजनेस है, खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। चलिए, ये कार्यक्रम देखने वाले लोगों को ये भी पता पड़ा, क्योंकि ओमी कालानी जी मीडिया के सामने आकर अपनी बातें क्लियर करें ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है। आज ये बात भी क्लियर हुई कि ओमी कालानी जी शुरू से पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि ओमी कालानी जी इंटरेस्टेड नहीं थे और बाद में हुए, तो ये गलत फहमी भी आज दूर हो गई। ओमी कालानी जी, पॉलिटिक्स में आप आने के बाद आप उसको किस तरह से चला रहे हैं? लोग कहते हैं कि युवाओं को साथ में लेकर चलते हैं, शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है, सूझबूझ की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, इस बात पर रोशनी डालेंगे जरा। देखिए, आप कैसे बोलेंगे सूझबूझ की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? आज मैं जो मुद्दे ले रहा हूँ, मैं शहर के मुद्दे ले रहा हूँ, मेरे कोई पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है। पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि भाई हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस शहर में हम पॉलिटिक्स में हैं, वो शहर में बिजनेस करना नहीं है हमको। हमारे जो भी बिजनेसेस है सब बाहर है। मैं जो मुद्दे यहाँ लेता हूँ वो शहर के हित के मुद्दे ले रहा हूँ। और जहाँ तक अभी सवाल रहा कि यूथ का, जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरी समझो एक फैक्ट्री है गोवा में, लिकर फैक्ट्री है, तो मेरा बहुत बार अक्सर गोवा आना जाना होता है बिजनेस के सिलसिले में। जब मैं वहाँ पे लोग देखता हूँ, यूथ मुझे एयरपोर्ट पे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं वो लोग? कसिनो। क्यों? मेरा खून खौलता है कि भाई हमारे शहर का यूथ बिगड़ रहा है। आज अगर मैं उनको सुधार रहा हूं तो उसमें गलत क्या? अपने आप में ये भी एक हासिलात की बात है कि उन युवाओं को राजनीति की तरफ, सतर्कता की तरफ इन्होंने मोड़ा है। उम्मीद तो यूं कहें कि सूझबूझ की बात भी अब पॉलिटिक्स में होगी और ओमी कालानी जिस रास्ते चलेंगे उस रास्ते उल्लासनगर शहर के विकास की बात सोची जाएगी। मैं चाहूंगा तो ये लोगों से ये अपील करूंगा कि यूथ जो है हमारे पूरे देश की ताकत है। एक बार सत्ता हमारे यूथ के हाथ में देखे, देखो आज 10 साल हुए हैं सेना बीजेपी और आरपीआई और साई पार्टी का जो गठबंधन है, 10 साल में वो, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो लोग मुझे अपने मैनिफेस्टो में एक ऐसी चीज़ बताए जो उन्होंने पूरी की हो। हम जब इलेक्शन लड़े थे, एमएलए इलेक्शन, हम लोगों ने 10 नंबर्स के मैनिफेस्टो बनाए थे, उसमें से 8 हम पूरे कर चुके हैं। वर्चस्व कैसे बरकरार रखेंगे? आपने अभी अभी जिन पार्टियों के नाम लिए, उनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके साथ जुड़ने की आपकी बात इन दिनों कही जा रही है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में ओमी कालानी जुड़ रहे हैं, ओमी कालानी आ रहे हैं, उनको लिया जा रहा है। मुझे लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, ये वो कौन होते तय करने वाले? ये तय मुझे करना है? आज तक मेरे मुंह से कभी कोई स्टेटमेंट निकला है क्या इस बारे में? ये लोग जहाँ जहाँ पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नाम लेके अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, यहाँ ओमी का नाम लेके पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो आप यहाँ जनता को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा किसी से भी कोई भी कमिटमेंट नहीं है, वो स्पष्ट है। मुझे वो लोग डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, इसकी वजह से वो लोग मुझे प्रपोजल भेज रहे हैं। कभी शिवसेना अलग प्रपोजल भेजेगी, कभी बीजेपी अलग प्रपोजल भेजेगी, डिसीजन मुझे लेना है। वो कौन होते डिसाइड करने वाले? कुछ दिन पहले अखबारों में ये भी खबर आई थी कि मनसे के कुछ पदाधिकारियों के साथ जी यस, मेरा बैठक हुआ है और उनका भी प्रपोजल है मुझे, जिस तरह बाकी के पार्टीज का प्रपोजल है, हम बैठ के विचार करेंगे। हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, कोर कमेटी डिसीजन लेगी उस पर।
आपकी माता जी इस शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी, उनका कार्य कैसे चल रहा है? उनके कार्य से आप सहमत हैं क्या? आपकी पैरेलल लेवल पे सहमति है पॉलिटिक्स में? बिल्कुल, आज समझे वो अपने एक एज एन एमएलए को जो जो काम करना चाहिए, विधान भवन में जो जो आवाज़ उठानी चाहिए हमारे शहर के मुद्दे, आज अगर देखा जाए, आज की बात बताऊं तो हर अधिवेशन में जो मैक्सिमम जो एलएक्यूज जो जाते हैं वो मम्मी की तरफ से जाते हैं, हमारे शहर के मुद्दों को लेकर के। बाकी लोकल लेवल पे जो पार्टी संभालना हुआ, लोगों का काम करना हुआ, मम्मी और मैं पैरेलल काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ ऑफिस में बैठते हैं, काफ़ी टाइम मम्मी देती हैं ऑफिस में, काफ़ी टाइम मैं देता हूँ। और जी, आपने परिवार की बातें कही कि पॉलिटिक्स में तो जैसे ही पप्पू कालानी जी थे तब से पॉलिटिक्स में आपकी जैसे वो एक एग्रेशन या फिर एक एक्साइटमेंट था, तो और कुछ महिलाएं कालानी परिवार से इस बार पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आने वाली हैं? जी हाँ, आज समझिए मम्मी पहले नगर सेवक थी, नगर सेवक से अभी आमदार बनी है। अभी मम्मी की जगह पे हम मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं सीमा दीदी, उनको हम राजनीति में लेकर आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्टैंड जनता के लिए आप इस मुलाकात के माध्यम से बताएंगे, जनता के लिए आपने क्या विजन बनाया है? 2017 इस तरह की प्रोपोगंडा बहुत हो रही है, क्या विजन है उसका? देखिए, सत्ता 2017 ये जो हमने बनाया है, इसके पीछे ऐसा है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। अभी तो टाइम और पड़ा है इलेक्शन में, मैं ये सिटिंग गवर्नमेंट का, सिटिंग जो सत्ता है, मैं चौक चौक पे जाके इनके पोल खोलूँगा। मेरे पास ऐसे ऐसे मुद्दे हैं इनके, इन्होंने आज हमारा शहर 10 साल में कहाँ पहुँचा है, क्या डेवलपमेंट है हमारे शहर की, बोलिए। बस वही फंड यूज़ होते हैं, वही ठेकेदार, हर कॉरपोरेटर का ठेकेदार फिक्स होता है, वही नालियाँ बनेंगी, वही रोड पे ये पेवर ब्लॉक्स यूज होंगे, सीमेंट ब्लॉक बना बनाया रोड है, अच्छा अच्छा खासा, मतलब उसको रिपेयर की भी जरूरत नहीं है, वो रोड पे पेवर ब्लॉक लगाया जाता है किस लालच में कि वो ठेकेदार 10% देगा कॉरपोरेटर को। तो मेरा ये जो सत्ता 2017 है, मैं लोगों को जागरूक करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एक बार अपील करूंगा लोगों को कि एक बार हम यूथ को मौका दो, और मेरे जो टीम 30 के जो चेहरे हैं सब के सब क्लीन चेहरे हैं, उसमें बहुत सारे मैं नए नए यूथ को लेकर आया हूँ। आज हमारे पार्टी की रेखा ठाकुर है, वो भी नई थी, यूथ है, उसको फ्रेश पॉलिटिक्स में लेकर आया। आज आप उनके एरिया में जाके आप उनका नाम पूछिए, तो जब यूथ को मौका मिलेगा तो वो हम प्रूव करेंगे अपने आप को। अमित, ये टीम 30 क्या है, मतलब 30 ऐसे उम्मीदवार जो कि चुनाव में? देखिए, नॉर्मली सब पार्टीज का, या अगर आप इवन पास्ट में भी देखेंगे, चाहे हमारी पार्टी पकड़ो, तो एक ट्रेंड हुआ करता था कि लोगों को हाँ करके और गैस पे रख दो। मैं नहीं बिलीव करता उन चीज़ों में, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या यस होगा या नो होगा, सोचेंगे देखेंगे करेंगे, उन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता। तो ये जो 30 कैंडिडेट्स हैं, मैंने इनको एक साल पहले लोगों के सामने लेकर आया, मैंने बोला कि ये हमारे कैंडिडेट्स होने वाले हैं और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं पूरा करूँगा। तो वो 30 उम्मीदवारों को एंड मोमेंट पे क्या होता है कि एक वार्ड में दो लोग समझो राष्ट्रवादी के टिकट डिमांड कर रहे हैं, मैं अगर एक को कमिट भी करूँ तो वो देखेगा कि भाई दूसरा आदमी भी काम कर रहा है, तो वो दोनों काम करना बंद करेंगे। फिर एंड मोमेंट पे होगा क्या कि 15 दिन पहले उनको ए बी फॉर्म दिया जाएगा, जिसको टिकट बोलते हैं, ए बी फॉर्म दिया जाएगा, 15 दिन में वो कहाँ तक पहुँचेगा वोटर्स के पास। आज उनको मैंने एक साल का मंच दिया है, उनको एक्सपोजर दिया है, पब्लिसिटी कर रहा हूँ उनकी, सो दैट वो हर एक एक घर घर तक पहुँच सके। इन 30 उम्मीदवारों के अलावा भी कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो चुनाव में होंगे? जी होंगे जरूर। कितने उम्मीदवार इस बार, कुछ स्ट्रेटेजी अब तक फाइनल हो चुकी है? सभी वार्ड में हम उम्मीदवार देंगे, कोई भी वार्ड खाली नहीं छोड़ेंगे। और एज ऑन टुडे जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि आपके उम्मीदवार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? एनसीपी से। एनसीपी यस। तो ये भी सीधी सी बेबाक बात ओमी कालानी जी ने कही। ओमी कालानी जी जो कि इतने बेबाक आज तक
किसी भी मीडिया के सामने नहीं हुए, आज बेबाक होकर कह रहे हैं एनसीपी पार्टी से इनके सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और वो जीत कराएंगे। इनका हौसला बुलंद है। 30 उम्मीदवारों की लिस्ट इन्होंने पहले ही, एक साल पहले ही जाहिर कर दी थी। ओमी जी, अब पप्पू कालानी वाली पॉलिटिक्स की प्रेरणा आप लेंगे या अपना कुछ नया स्टाइल होगा, कोई नई सोच होगी? नई सोच तो है, लेकिन आखिर जो भी मैं सीखा हूँ वो उनसे ही सीखा। मेरे जो भी ये क्या बोलेंगे राजनीतिक, जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो वो जो मिला है मैं उनके साथ रह रहकर सीखा हूँ। जनरल बॉडी आप अटेंड करते हैं? यस। और मुद्दों पर आपने अभी पूरा वो अनुभव प्राप्त कर लिया है? कर लिया, बट मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ जनरल बॉडी में। आवाज़ वो लोग उठाते हैं, चिलम चले वो लोग करते हैं जिनका काम नहीं होता। मैंने जो जो काम हाथ में लिया मैं वो पूरा करता हूँ, मेरे कोई काम रुकते नहीं है। विकास की बात, हाउस में जाकर बोलने की बात, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है। अब जब चुनाव आते हैं, वोट होते हैं, तो वोट में इन दिनों देखा गया है कि कुछ राजनीतिज्ञ जो हैं वो एक कास्ट वोट का, मतलब कम्युनिटी वोट का भी एक इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जहां पर सिंधी समुदाय के ऊपर कहा जाता है कि कालानी परिवार का अच्छा वर्चस्व है, तो नॉन सिंधी परिवारों के ऊपर भी आपका वर्चस्व है, क्या आपने उनके लिए कार्य किए हैं? या फिर ऐसा कोई जातिवाद जब होता है, वोट भी कम्युनिटी के आधार पर दिया जाता है, तो ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? बीपीएल स्कीम क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन किसके लिए है वो स्कीम? राजीव गांधी निराधार योजना है वो किसके लिए है? आज आज नहीं कल हम लोग 350 फ्री गैस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, वो किसके लिए है स्कीम? ये सब बोलने की बातें हैं। कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो लोग जात के ऊपर राजनीति करते हैं। हम एनसीपी से बिलोंग करते हैं, हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर ये नहीं होता है। व्यापारियों में पप्पू कालानी का वर्चस्व था। हाल ही में आपने यूटीए बनाई है, फेडरेशन जो है उससे कहीं ना कहीं आपके नाते दूर होते दिखाई दे रहे हैं, इस बात पर रोशनी डालेंगे। देखिए, जो फेडरेशन है वो भी अपने ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो पराए हैं। उन्होंने भी जो सीखे हैं वो पिताजी के नक्शे कदम पर चल के सीखे हैं। बट एक कुछ मुझे और नए लोगों को, जैसा मैंने बताया कि टीम 30 बनाया, तो मैंने नए चेहरे लेकर आया, यूथ फेसेस लेकर आया, क्लीन फेसेस लेकर आया। उसी तरह ये यूटीए भी एक ऐसा ही है, एक अलग संगठन है जो हमारे शहर के लगभग अभी आज 4000 दुकानदार इस हमारे यूटीए से, इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मैं एक हमारे जितने भी व्यापारी हैं उनको यूनाइट कर रहा हूँ। आज हम लोगों की कमजोरी क्या है? आज हम पर कोई भी आके क्यों दादागिरी कर सकते? उसका एक ही एक रीज़न है कि हम में यूनिटी नहीं है। आज अगर मेरा ये जो यूटीए बनाया है या फोरम है, उसका रीज़न ये है कि भाई मुझे लोगों को यूनाइट करना है। बाकी मेरा फेडरेशन से किससे कोई ऐसा मतभेद नहीं है, वो भी भाई हैं हमारे। यूटीए जैसी कई और हासिलात हैं इन दिनों में आपके, जनता को बताना चाहेंगे? समझा नहीं मैं। यूटीए जैसे एक व्यापारियों का संगठन एक बना है। है दूसरा है फोरम। आज फोरम की बात करें जिसके हमारे अध्यक्ष पीतू राजवानी जी हैं। आज हमारा जो शहर है ये व्यापार का शहर माना जाता है। एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि भाई किधर भी मैं आम जनता को ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने मन से एक सवाल पूछो कि आज से 5 साल पहले हम किधर भी जाएं तो हम लोग बोलते थे कि हम कल्याण से हैं। उल्लासनगर बोलने में शर्म आता था कि उल्लासनगर बोलेंगे लोग बोलेंगे अच्छा वो डुप्लीकेट जहां बनते हैं। आज किधर है हमारा शहर? आज ये वही शहर है, ये वही मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनको मेरे पिताजी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिया था, इनको प्रॉपर रोड्स दिए, इनको एमएसईबी के फैसिलिटीज दिए, इंडस्ट्रियल लाइट्स दिए, इनको लोड शेडिंग बंद करवाया, पानी की सप्लाई दिलवाए, लेबर का कोई यूनियन नहीं है। आज ये सब जो मेरे पिता का जो देन है, ये इंडस्ट्रीज आज वो वजह से ग्रो करके आज हमारे शहर का ये पोजिशन है कि पार्ले जी जैसी कंपनी
उल्लासनगर से मैन्युफैक्चर करवाती है, बड़े बड़े डेनिम कंपनीज, स्पाइकर जैसे कंपनीज, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन जैसे कंपनीज हमारे शहर में मैन्युफैक्चर करवाते हैं। हमारे शहर का मैक्सिमम बिजनेस जो है आज एक्सपोर्ट है, जहाँ एक तरफ लोग बात करते हैं डुप्लीकेट बनाने का, आज वो फॉरेन कंट्रीज हमसे माल बनवा के ले रहे हैं। क्यों? ज़रूर हमने वैसा क्वालिटी, हमारे लोगों ने वैसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। आज आप किसी इंडस्ट्रीज में जाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, सबके पास ISI सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है। मतलब हम क्वालिटी वाइज आज पूरे महाराष्ट्र को कम्पीट करके बैठे हैं। आज एक्सपोर्ट्स देखो तो उल्लासनगर का पूरा एक्सपोर्ट मिला और पूरे महाराष्ट्र का एक्सपोर्ट मिला, हम फिर भी आगे। शक्ति प्रदर्शन के चलते या फिर अपने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सेवा बल नाम से कुछ? जी, सेवा बल एक ऐसा संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग, हमारे यूथ खास तौर से, जो आउटलाइन में चले जाते हैं, जो लोग क्राइम लाइन में चले जाते हैं, तो सेवा बल बनाने का रीज़न ये था कि भाई मैं वो यूथ को यूनाइट करूं। उनके हम वर्कशॉप लेते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि भाई आज क्राइम करने से या आउटलाइन होने से या जुआ खेलने से फ्यूचर क्या है, हमारे शहर का क्या फ्यूचर। तो ऐसे यूथ को हम इकट्ठा करके उनको आम पब्लिक की सेवा करने का हम वर्कशॉप देते हैं। आज जिधर भी देखो, कोई भी समझो फॉर एग्जांपल कि भाई अचानक से पता पड़ता है, फ़ोन आता है कि भाई कुछ गुंडे घुस गए हैं किसी दुकान में, सामान उठा के फेंक रहे हैं, ज़बरदस्ती खाली करा रहे हैं, किसी का फ्लैट कब्जा होता है, तो इन चीज़ों के लिए हम हमारा ये सेवा बल यूज़ करते हैं कि भाई उन गुंडों को मुँह तोड़ जवाब दो। गुंडागर्दी की आपने बात कही ओमी जी, गुंडे घुस गए और मारधार की, ऐसे में बात एक याद आई, इन दिनों शहर में धमकियों भरे फोन आना एक परिचर्चा बन गई है लोगों के लिए। सुरेश पुजारी नामक किसी कुख्यात गुंडे के फोन आ रहे हैं सबको, उस बारे में आपका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस बारे में आप लोगों को बताएंगे? मैं आपको टोकना चाहूँगा इस बात पर कि कुख्यात बोल बोल के उसका मनोबल बढ़ता है। वो एक चिंदी चोर है, ऐसे चिंदी चोर लोगों को हम हमारे यहाँ पे एंट्री देंगे नहीं, वो तय है। आज मुझे फोन्स नहीं आते होंगे क्या? और मैं इन चीज़ों में डरने वाला नहीं हूँ। मैंने बार बार हमारे लोगों को एक अपील की है कि अगर एक जन भी उसको उसके डर के मारे अगर उसको पैसे दिए तो वो पूरे शहर को लूटने आ जाएगा। तो ऐसे चिंदी चोर और टपोरी लोगों को कुख्यात बोल के हम लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा जब भी आप सुरेश पुजारी की बात करो तो एक टपोरी या एक चिंदी चोर वर्ड ज़रूर ऐड करना, तो जैसे लोगों को लगे कि भाई एक वो पेटी गुंडा है, कोई वो नहीं है। बहरहाल ओमी कालानी जी से कुछ गुण हमें भी सीखने होंगे। ओमी जी आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात कही और एक निडरता की बात है इसमें, पूरे शहर के लिए एक संदेश है। भाषा आपकी कोई भी हो लेकिन दिल में जो आपकी निडरता है, मन में जो आपकी निडरता है वो बिल्कुल बरकरार है। इसी निडरता के चलते मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इन दिनों कई सारे छोटे मोटे किस्से जो हैं आपके चर्चा में हैं, जैसे कि हाल ही में एक बाबू माखीजा का चर्चा था कि वो आपकी टीम में शामिल हुए हैं, तो इस बात का हकीकत है वो शामिल है? यस, वो आपकी टीम में शामिल हो गए, चाहे NCP से आप चुनाव लड़ेंगे फिर भी वो आपके टीम में शामिल। 100%। अभी अभी हाल ही में परिवहन समिति के सभापति पद का चुनाव हुआ, उसमें भी सेटिंग्स की बात चर्चा में आई है, इस बारे में आप क्या? आज लग रहा है आप मुझे पूरा एक्सपोज करने के मूड में। नहीं अभी आपकी बात दुनिया के सामने होगी, आपके मुंह से होगी। देखिए, मैं कम शब्दों में बहुत कुछ बोलूंगा कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए, ओमी जी ने ट्रेलर दिखा दिया है, आज पिक्चर अभी बाकी है, एक मुलाकात और करनी होगी। बहरहाल ओमी कालानी की बेबाक बात आज हमने भी पहली बार सुनी और आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे। हमने इनके सामने वो सारे सवालात रखे जो जनता के सवालात थे, जो जनता के बीच चर्चा का विषय बने। ओमी जी, हमारे इस कार्यक्रम में एक रैपिड फायर का सेक्शन होता है जिसमें मैं आपसे एक शब्द कहूंगा और इमीडिएट बिना सोचे उसका जवाब आप देंगे, एक शब्द या एक वाक्य में।
पॉलिटिक्स फ्यूचर सत्ता 2017 ड्रीम एनसीपी इन द ब्लड बीजेपी सोचना पड़ेगा यूथ एनी टाइम नंबर वन कुमार एलानी मैं नहीं पहचानता पप्पू कालानी गॉडफादर जाते जाते कुछ भावुक क्षण कुछ खुशी के क्षण एक सवाल जिसमें आपसे वो क्षण पूछा जाएगा जब आप सबसे ज़्यादा खुश हुए थे और दूसरा वो क्षण जब सबसे ज़्यादा दुखी हुए सबसे ज़्यादा खुश अभी मैं रिसेंटली हुआ हूँ मैं मेरे फैक्ट्री के काम से गोवा गया हुआ था जहाँ मुझे फ़ोन आया कि मम्मी का मेजर एक्सीडेंट हुआ है और मैं भागा वापस आया यहाँ पे जिस वक्त डॉक्टर्स ने बोला कि नॉट टू वरी कुछ भी नहीं है वो मेरे लाइफ का सबसे खुशी वाला पल था और जो सबसे दुख वाला पल वो था जब मैं कोर्ट में पिताजी के साथ मौजूद था जिस वक्त उनको कन्विक्शन सुनाया गया था तो टूट गया था मैं उस वक्त वो मेरा सबसे दुखी पल था चलिए उल्लासनगर शहर के यूथ आइकॉन ओमी कालानी से ढेर सारी बातें हमने जानी इसी तरह हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा फिलहाल अब के लिए इस मुलाकात में एक मुलाकात में लेता हूँ आपसे विदा नमस्कार